तो इतने सारे मोटो व्लॉग मैंने शूट किए, लेकिन अभी तक मैंने मेरे बाइक का नाम नहीं बताया किसी भी मोटो व्लॉग में। तो ये है मेरी सो हे गाइस, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं निकला हूँ मेरे बाइक का पॉल्यूशन करने, क्योंकि यार पीयूसी निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पीयूसी नहीं रहेगी तो 10,000 रुपीस का फाइन है। सो उससे अच्छा है यार 50 रुपये में पीयूसी टाइम पे रिन्यू कर देनी चाहिए। तो चलो फिर जाते हैं पीयूसी सेंटर पीयूसी रिन्यू कराने और देखते हैं क्या देखने मिलता है रोड पे। और वीडियो पे बने रहिए, आगे एक अच्छी आगे कुछ बातें बतानी है। एंड वन मोर थिंग, आई मेंशन टू फॉरगेट दैट द मोटो मैन इज नो मोर, मतलब मैंने फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल का नेम चेंज किया। चैनल नेम चेंज करने का कोई वैसे कुछ खास रीज़न नहीं है। सबसे पहले मैंने ए के पवार रखा था, उसके बाद मुझे लगा कि कुछ हटके होना चाहिए, इसलिए मैंने द मोटो मैन रखा, जो ऑलरेडी बहुत लोगों ने वो नाम रख चुका था। द मोटो मैन इस नेम से बहुत सारे चैनल ऑलरेडी यूट्यूब पे है और वो काफ़ी बड़े चैनल है, अच्छे फेमस। तो उसमें तो कोई यार बात ही नहीं बनती कि अपना चैनल सर्च में आएगा, और यूट्यूब पे चैनल सर्च में आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो मैंने डिसाइड किया कि खुद के नाम पे चैनल का नाम होना चाहिए। सो आई डिसाइड कि मैं खुद का ही नाम क्यों ना रख लूँ मेरे चैनल का, इसलिए आज से मेरे चैनल का नाम अक्षय पवार रहेगा मेरे नाम से ही, और ये परमानेंट रहेगा। तो यार ये एक पवई में हीरानंदनी ऐसा पॉश एरिया है ना, मतलब बहुत नीट एंड क्लीन भी है और एकदम अलग लगता है। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि हम किसी अलग शहर में आ गए या अलग कंट्री में, ऐसा पहले बहुत मज़ा आने का। हम लोग स्कूल में तब थे, जब हम स्कूल में थे तो यहाँ पे हम इवनिंग में क्लासेस होने के बाद साइकिल चलाने आते थे। तो बहुत मस्त लगने के ये प्लेस, ये सब क्या बोलते हैं, मतलब कुछ हम लोग के लिए नया था वो। ऑब्वियसली स्कूल टाइम में यार घर के बाहर मतलब घूमना, मतलब फैमिली के साथ कहीं फंक्शन पे जाना, ऐसा ही था हमारे लिए। कोई प्लेस ज़्यादा ऐसा ट्रैवल नहीं किया हो स्कूल लाइफ में, या कौन से न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर नहीं किए, स्कूल के टाइम पे भी नहीं और कॉलेज टाइम पे भी नहीं। तो अभी यार बाइक है मेरे पास, तो यार नियर बाय जितने भी प्लेसेस हैं वो मैं एक्सप्लोर करते रहता हूँ। तो वैसे इन 3 साल हो गए बाइक लेके, और इन 3 सालों में बहुत सारी जो जगह है वो मैंने एक्सप्लोर की है। तो फिर बाद में मुझे याद आया क्यों ना हम मोटो व्लॉगिंग भी की जाए। तो चलो यहाँ पे यार पीयूसी बनाते हैं अपने गाड़ी का, तो लेंगे। तो इसीलिए मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया, बोले हम जहाँ जहाँ घूमेंगे वहाँ की कुछ मेमोरीज कैप्चर की जाए एक्शन कैमरे में। तो यही है हमारी धन्नो, इसका धन्नो नहीं है इसका नाम कुछ अलग है, अभी मैं बताता हूँ। रुक के पहले पीयूसी का काम कर लेता हूँ। This is the nearby.
तो चलो पीयूसी तो हो गया, अभी आते हैं मुद्दे की बात पे। तो इतने सारे मोटो व्लॉग मैंने शूट किए, लेकिन अभी तक मैंने मेरे बाइक का नाम नहीं बताया किसी भी मोटो व्लॉग में। तो ये है मेरी वेरोनिका, 2017 मॉडल है, BS4 यमा R15 वर्जन 2, और इसका नाम है वेरोनिका, द वेरोनिका, या उसका शॉर्ट नेम्स वेरू भी बोल सकते हैं। मैं तो वेरू तो ऐसे ही बोलता हूँ क्योंकि वेरोनिका इज वेरी लॉन्ग नेम। अभी वेरोनिका क्यों रखा ये मैं अभी बाइक पे बताता हूँ चलते चलते, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो कमेंट करके बताना वेरोनिका नाम कैसा लगा, और आप लोगों के बाइक का नाम आप लोगों ने क्या रखा है, या आप अपने बाइक को किस नाम से बुलाते हैं, लेट मी नो इन अ कमेंट। सो वेरोनिका ही नाम क्यों? अगर आपने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी देखा रहेगा, अरे यार सबको पता है ये मूवी, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, तो उसमें हल्क को कंट्रोल करने के लिए टोनी स्टार्क एक मशीन बनाता है, मतलब एक सैटेलाइट रहता है, जब हल्क पागल हो जाता है तो वो उसको बुलाता है हल्क बूस्टर। तो हल्क बूस्टर को जो कंप्यूटर कंट्रोल करता है, या हल्क बूस्टर को जो ऑर्डर्स देता है, तो उसका नाम होता है वेरोनिका। वेरोनिका जरा हाथ देना। वाह जी वाह, तो उसी का नाम होता है वेरोनिका, मतलब उस मशीन का नाम होता है वेरोनिका। तो इसलिए मैंने मेरे बाइक का नाम भी वेरोनिका रखा है, और ज़्यादा कुछ बात नहीं है इसमें। सो लेट्स मूव। यही था आज के वीडियो में, तो चलो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और एक अच्छा सा कमेंट भी करना है, और हाँ सब्सक्राइब तो करके ही जाना है। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।